भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, भारत सरकार के आवासन एवं शहरी विकास तथा पेट्रोलियम मंत्री माननीय श्री हरदीप पुरी जी, केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी, माननीय भानु प्रताप वर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सतीश महाना जी, श्री रणवेंद्र प्रताप सिंह जी, श्रीमती नीलमा कटियार जी, श्री अजीत पाल जी, श्री लाखन सिंह राजपूत जी, माननीय सांसद श्री सत्यदेव पचौड़ी जी, श्री देवेंद्र सिंह भोले जी, अशोक रावत जी, श्री सुब्रत पाठक जी, रामशंकर कठेरिया जी, महापौर श्रीमती प्रमिला पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायकगण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण और भारी संख्या में आज कानपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, मां गंगा के तट पर स्थित इस औद्योगिक नगर में अत्याधुनिक यातायात की एक सुविधा प्रदान करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज कानपुर में आगमन हुआ है। मैं आप सभी कानपुर वासियों की ओर से, प्रदेश शासन की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, कानपुर की पहचान एक औद्योगिक नगर के रूप में रही है और कानपुर को उससे पहले पहचान मां गंगा की अविरल धारा के कारण भी रही है। कानपुर का बिठूर न केवल धार्मिक आस्था का बल्कि इस देश की आजादी की लड़ाई में देश के स्वाधीनता सेनानियों के एक प्रमुख गढ़ के रूप में भी विख्यात रहा है और आज हम सबका यह सौभाग्य है कि देश के अंदर नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से मां गंगा की निर्मलता का सबसे क्रिटिकल पॉइंट जो हुआ करता था वह कानपुर होता था। कानपुर के सीसा मऊ में 2 वर्ष पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट को निर्मलता की ओर अग्रसर करते हुए मां गंगा की अविरलता और निर्मलता को आगे बढ़ाने का जो कार्य कानपुर के गौरव को, सनातन धर्म के उस गौरव को पुनर्स्थापित का कार्य नमामि गंगे परियोजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता के कारण संपन्न हुआ, इसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर की इस धरती पर हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, एक कानपुर कभी प्रदेश और देश का प्रमुख औद्योगिक नगर माना जाता था, लेकिन स्वार्थ की राजनीति ने कानपुर के औद्योगिक स्वरूप को पूरी तरह नष्ट सा कर दिया था। यहां की चलने वाली मिलें बंद हो गई, औद्योगिक गतिविधियां बंद हो गई, अराजकता का एक नया तांडव यहां प्रारंभ हुआ और विकास की बात तो दूर, विकास के पैसे को लूट करके लोग कहां ले जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों से दीवाले खोद करके निकलने वाली नोट की गड्डियां इस बात को प्रमाणित कर रही हैं कि पहले
प्रदेश के विकास का पैसा किन लोगों के पास पहुंच जाता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री जी के, आज कानपुर में दोरी उपहार देने के लिए प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां पर हुआ है। इससे पहले कानपुर आईआईटी कानपुर के दीक्षांत समारोह में प्रधानमंत्री जी के इस महत्वपूर्ण मार्गदर्शन को देश ने सुना, लेकिन आज यहां पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सबसे बेहतरीन सुविधा मेट्रो को प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी आज कानपुर में आए हैं। और दूसरा, बिना पनकी भारत पेट्रोलियम की पेट्रोलियम पाइपलाइन का लोकार्पण करने के लिए भी प्रधानमंत्री जी का आगमन कानपुर की इस नगरी में हुआ है। भाइयों बहनों, ये मेट्रो का कार्य याद करिए, 12 नवंबर 2019 को हम लोगों ने कानपुर से प्रारंभ किया था और 2 वर्ष 2 महीने में इस कार्य को पूरा होना था, लेकिन 2 वर्ष से 2 दिन पहले ही 10 नवंबर 2021 को कानपुर मेट्रो का कार्य एक प्रकार से फिजिकल कार्य प्रारंभ पूरा हो गया था और उसके बाद भौतिक कार्य के बाद इसकी क्लीयरेंस लेने में जो समय लगा, आज उसके साथ ही मेट्रो का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से कानपुर वासियों को प्राप्त होने जा रहा है। और ये 9 किलोमीटर का ये मेट्रो का कार्य कानपुर के साथ जुड़ने के साथ ही उत्तर प्रदेश देश के अंदर सर्वाधिक मेट्रो संचालित करने वाले राज्य के रूप में आ चुका है। 5 हमारे शहर ऐसे हो चुके हैं जिन पर मेट्रो की सुविधा वहां के वासियों के आवागमन की दिशा से जाम मुक्त सड़कें मिल सके, सुविधाजनक आवागमन हो सके, प्रदूषण मुक्त व्यवस्था यातायात के लिए मिल सके, इस दिशा से आज यहां पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। मैं एक बार फिर से आप सभी कानपुर वासियों की ओर से, प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कानपुर की इस नगरी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। ABP News, आपको रखे आगे।